हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जी हैं, यूपी TSSC आयोग ने जारी की है बैक टू बैक 3 नोटिसें जारी की हैं। लोअर 2 की रिवाइज्ड आंसर की जारी हो चुकी है, जूनियर इंजीनियर का सिलेबस जारी हुआ है और कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ है। चलिए डिटेल में देखते हैं सब कुछ। अगर चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोटिस बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2016 द्वारा विज्ञापित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रतियोगात्मक परीक्षा के संबंध में संशोधित उत्तर कुंजी, वहीं अवर अभियंता यानी कि आपका JEE की लिखित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संबंधी योजना, और वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संबंधी योजना। तो चलिए हम तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने नोटिस डाउनलोड कर ली है, आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे खोल लिए हैं पहली नोटिस, जो कि किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग 25/2016 कंप्यूटर ऑपरेटर के 79 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके संबंध में 25/2016 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्न पदों पर परीक्षा पाठ्यक्रम होगा। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के, वहीं सामान्य रीजनिंग के 20 प्रश्न 20 अंक के, सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न 20 अंक के रहेंगे और 40 प्रश्न कंप्यूटर के रहेंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। डिटेल में सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी सिलेबस है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं दूसरी परीक्षा की ओर, दूसरा देखते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे खुल के आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रतियोगात्मक परीक्षा अवर अभियंता के 489 पदों हुए तो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसपे 5 सितंबर 2019 को द्वारा उक्त विज्ञापित संशोधन में जो पाठ्यक्रम को निर्धारण किया जाना है वो इस प्रकार से है। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आपके हिंदी तथा अंग्रेजी रहेंगे 50 प्रश्न 100 अंक के, वहीं सामान्य बुद्धि तथा कंप्यूटर की जानकारी 100 प्रश्न रहेंगे 400 अंक के। यहाँ पर ये 2 अंक का 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आपका इंजीनियरिंग से संबंधित 125 प्रश्न रहेंगे 500 अंकों के, 2 घंटे का समय मिल जाएगा, कुल मिला के 275 प्रश्न रहेंगे, 1000 अंकों की परीक्षा होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। डिटेल में आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे, सामान्य जानकारी कंप्यूटर ज्ञान। उसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में डिटेल में आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रही, उसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं लोअर की रिवाइज्ड आंसर की से संबंधित, कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है आपका लोअर के रिवाइज्ड आंसर की में। पूरा सिलेबस हम देख लेते हैं कि किसको और कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 22/2016 में विज्ञापित 8 सीरीज में जो रिवाइज आंसर की जारी की गई थी, उसमें देखिए उपरोक्त में 31/7/2019 को की अपलोड की गई उत्तर कुंजियों के सापेक्ष में आपत्तियों का निराकरण करते हुए 1 प्रश्न पर आपत्ति वैध पाई गई है, जिसके अंक सभी अभ्यर्थियों को संपूर्ण दिए जा रहे हैं। तो 8 सीरीज में जो संशोधित उत्तर कुंजी है यहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज AA में कुल मिला के आपके प्रश्न थे, जिसमें कि लास्ट प्रश्न यानी कि 175 प्रश्न के फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार से AB सीरीज में बात करते हैं तो AB सीरीज में भी 175 प्रश्नों का फुल मार्क्स मिला दिया गया है। AC सीरीज में भी वही स्थिति है कि 175 प्रश्न में फुल मार्क्स दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, AD सीरीज में बात करते हैं तो AD सीरीज में भी 175 प्रश्न पर फुल मार्क्स है और AE में 175 प्रश्न पर भी फुल मार्क्स दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 1 प्रश्नों पे सभी को फुल मार्क्स दिया गया है, तो जिनके भी 1 नंबर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की से लोअर की। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।